हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास एक टेबल है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हमें बोला गया है कि आप इस टेबल को एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो बार ग्राफ जो है बच्चों, आपने क्लास 8th में भी पढ़ रखा है बार ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो बार ग्राफ जो होता है अगर मुझे बार ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें बेटा दो एक्सिस लेने पड़ते हैं। आप इसको एक्स एक्सिस बोल दो, आप इसको वाई बोल दो, एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों एक्सिस पर एक एक वेरिएबल रहेगा। जैसे अगर एक पे हेड्स रहेंगे तो दूसरे पे क्या रहेगा बेटा, एक्सपेंडिचर रहने वाला है। अगर यहां पर हेड्स रहेंगे तो इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, बार ग्राफ कैसे रहते हैं, हमें क्या करना है, हमें हेड्स क्या है हमारे पास, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस। क्या बोला गया, एक फैमिली है जिसकी 20,000 इनकम है और उनका एक्सपेंडिचर ऐसा रहता है, तो आप उसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करो। अब ध्यान देते हैं बेटा, जैसे ग्रोसरी है, इसका एक्सपेंडिचर पर मंथ कितना है, 4K है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैं अगर यहां पर लिखूं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 मैक्सिमम है हमारा एक्सपेंडिचर, क्या है 5 मैक्सिमम है। तो ये जो गैप है बेटा, ये गैप एक तो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में था वही 1 से 2, वही 2 से 3, वही 3 से 4 ऐसा रहने वाला है। उसके बाद ग्रोसरी कितना है पर मंथ एक्सपेंडिचर, 4,000 रुपीज। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल शेप में एक ऐसे बना दिया। ठीक है, इसे बोला जाता है बार, बार की शेप है ना ये एक। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार होती है, बार की शेप है। इसकी कुछ भी आप विड्थ मान सकते हो, 1 यूनिट ग्राफ में 1 यूनिट मान सकते हो, 2 यूनिट मान सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, ग्रोसरी। समझो बात को, इसको मैंने क्या लिख दिया, ग्रोसरी। अगला क्या हमारा, रेंट। रेंट कितना है, 5,000। अब ध्यान देना है, जितनी विड्थ आपने इस बार की ली थी, इस वाले बार की विड्थ भी आपको इतनी ही लेनी है और दोनों बार के बीच में गैप छोड़ना है ना। मान लो से आपने गैप छोड़ दिया 1 यूनिट और आपके इसकी विड्थ भी कितनी है, 1 यूनिट। हमें कितना बनाना है, 5K। ठीक है, ये विड्थ और ये विड्थ क्या रहेगी, सेम, और कुछ गैप रहेगा। अगला क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन पे 5,000। अब जो गैप ये है उतना ही गैप अगले में होना चाहिए और विड्थ भी क्या रहनी चाहिए, हर वक्त सेम रहनी चाहिए। तो 5K पे क्या आ जाएगा, एजुकेशन। ये हो गया आपका एजुकेशन और ये कितना था, रेंट। उसके बाद क्या है, मेडिसिन। मेडिसिन बेटा गैप सेम रहेगा, विड्थ सेम रहेगी, ये आ जाएगा मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद फ्यूल, 2K। उसके बाद एंटरटेनमेंट, 1,000 एंड मिसलेनियस, 1,000। एंटरटेनमेंट एंड 1,000 इज मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये बात आपको समझ आ गई है, ये हमारा बन गया फाइनल बार ग्राफ। ठीक है, आपको यहां पर क्या लिखना है बेटा, आपको डायमेंशंस लिखनी पड़ेंगी कि विड्थ आपने कितनी लिया है और दो ग्राफ्स के बीच का गैप आपने कितना लिया है। से 1 यूनिट विड्थ, 1 यूनिट एंड गैप कितना लिया आपने, 1 यूनिट। क्या ये बात आपको समझ आ गई है। अब आप किसी भी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बार ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं। की टेकअवेज इस बार ग्राफ से हमने क्या सीखे हैं कि जो विड्थ रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है पूरे टाइम तक और गैप बिटवीन टू ग्राफ्स क्या रहता है, वो भी सेम रहता है। समझ आ गई बात। ठीक है, थैंक यू बच्चों।